हेलो फ्रेंड्स, कि जैसा आप देख रहे हैं मैं हूं अमित और मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट आपके यूट्यूब चैनल अमित यादव पे। तो मैं आपको आज ये बनाना सिखाऊंगा। इसे आप कहीं पे भी रख सकते हैं, स्टडी टेबल, डाइनिंग रूम, कहीं पे भी रखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा ये। तो चलो पहले हम मटेरियल जो हमें चाहिए हम उसको ढूंढते हैं, फिर पहले अब हम चलते हैं मटेरियल्स की तरफ और फिर मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा। हेलो तो फ्रेंड, जैसे कि हमने देख लिया कि हमने सारे मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए हैं। ये है टेप, ये हमारे पास स्केल, और ये है स्टेपलर, ये उसकी कुछ पिंस हैं, और ये है फेविकोल्स, और हमें जिसको मेन रिक्वायरमेंट है बॉटल की एक, और ये कुछ वेस्ट मटेरियल पेपर्स हैं, और ये सीजर हैं। तो हम शुरू करते हैं अब ये बनाना। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास पेपर, और इसकी कुछ ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है, ज्यादा ना ही मोटी होनी चाहिए ना ही ज्यादा पतली होनी चाहिए, ऐसी हम कलरफुल स्ट्रिप्स काटेंगे, क्योंकि तभी तो हमारा फ्लावर पॉट कलरफुल दिखेगा जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ऐसे ही काटते रहेंगे हम इसे, ऐसे सभी कलरफुल स्ट्रिप्स को काटेंगे, और जब काट लेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी स्ट्रिप्स काट ली है अपनी। तो मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स काटनी है, ऐसे ही आपको भी काटना है। ये देख सकते हैं आप कितनी सारी स्ट्रिप्स है और कलरफुल काटी है मैंने। तो अब इसके बाद हम शुरू करते हैं। तो इसको ऐसे करके स्टेपलर मारते जाना है हमें, और इनको यहाँ रखते जाना है सभी को, सारी स्ट्रिप्स कलरफुल को ऐसे ही करना है। और बाय द वे, अगर ये थोड़ी स्ट्रिप्स लंबी हैं तो इसको हम सीजर से कट भी कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि सारी लीव्स अगर एक जैसी होंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, ये तो आपको भी पता है। तो ऐसे ही हम कट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने सभी को स्टेपलर कर लिया है। तो अब आगे के हम प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हेलो, आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने सबको अलग अलग करके भी आपको दिखा दिया कि ऐसे कलर बहुत सारे इकट्ठे कर सकते हैं आप, जितने वेराइटी ऑफ कलर आपको मिले। मेरे पास अभी लॉकडाउन की वजह से सिर्फ इतने ही है। तो अगर आपके पास लॉकडाउन की वजह से ये सब नहीं मिल पा रहा है, चार्ट पेपर्स, या आपके पास वेस्ट पेपर नहीं है, आप सोच रहे हैं कि चार्ट पेपर, तो अगर आपके घर पे शादी के कार्ड भी पड़े हों, खराब शादी के कार्ड भी, तो भी आप इनको बना सकते हैं शादी के कार्ड से भी। तो अब मैं आपको इसको आगे बनाने का कैसे बनाना मैं बताता हूँ। के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी ना रेत भर ली है, आप भी भर सकते हैं, या फिर कुछ भी अगर आपके पास मतलब वेट वाली बोतल है कांच की है तो और भी बेटर है, पर मेरे पास इस समय पे यही थी तो मैंने इसमें थोड़ी रेत कर लिया। आप मिट्टी कुछ भी भर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो शुरू कर ऊपर के लिए कितनी बहुत है, एक इक्वल में लगा ताकि ये इक्वल इक्वेशन में दिखे। नीचे से पूरा इसको ऐसे चिपका, इसके बाद ये वाला कलर था, कोई बात नहीं ना, फिर ये चिपकेगा कैसे, एकदम ऊपर से कर देते तो नीचे भी तो चिपके, सही चिपका रहा हूँ तो इतना चिपका, जो ज्यादा लंबे उनको इसके अकॉर्डिंग लेके आए, बस इतनी बहुत है गोल इसके ले रहा हूँ, छोटे वाले के लिए बहुत है। हाँ कितना काटा है, रुक जाना अभी, चालू कर दो, कैसे लगाना ये तो बता दो इसको, ऐसे लगता है फिर ऊपर की तरफ लगाना, ठीक है आप समझ गए, ऐसे करके यहाँ से शुरू करियो ना, ऐसे करके इस तरफ से शुरू करो, हाँ ऐसे ऐसे गोल कर और ऊपर से कर इसको, बता दो मुझे यहाँ से करूँ, ठीक है छोड़ दो अब मैं यहाँ से करूँ, बस ये म्यूजिक चला दूँ मैं, पहले म्यूजिक चलाओ ना, पहले म्यूजिक चला के नहीं रोकना भी आप ही को ही है, बस इसको यूं दबा देना और जब चलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही ऊपर की तरफ राउंड एंड राउंड और इक्वल में ही करते जाना है, जैसे आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड, ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे आगे भी। देख सकते हैं अभी से कितना खूबसूरत लगने लग गया ये, तो आगे भी शुरू करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसे ही दोबारा बनाएंगे कलरफुल, ऐसे ही बनाते जाएंगे
और लगाते जाएंगे, जो कलर बन करे वो करिए, ऐसे ही बनाते जाएंगे हम। और फिर ऐसे ही जैसे ऊपर किया था वैसे इसको करते जाएंगे पूरी बोतल पे, राउंड राउंड करते जाएंगे हम, देख सकते हैं आप। और अगर एक्स्ट्रा भी आए तो निकाल भी सकते हैं उसको, फिर ऐसे ही टेप से जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टेप भी लीजिएगा। बस देख सकते हैं कितना अभी से अच्छा लगने लग गया ये, कि आपने देख लिया कि हमने ये बना लिया है। हाँ बना लिया है ये हमने, तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमने ये बना लिया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, सजा सकते हैं, ताकि जहाँ पे भी रखें आपका स्टडी टेबल या डाइनिंग टेबल बहुत ही सुंदर लग सकती है। तो ऐसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और अगर आपको ये फ्लावर पॉट पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। तो जैसा आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ये है मेरी स्टडी टेबल, कितनी खूबसूरत। आप भी ऐसे ही रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।